So hello everyone, welcome to the SAM, that is a study, art, motivation and education. So for the first time, for the very first time, I got a comment to prepare a lecture on dental caries and non-epithelial tumors, as dental caries is not that much vast as compared to non-epithelial tumors. So I thought to start uploading videos on dental caries first, and I may be completed in 2 days. And before starting dental caries, I would like to show all these pictures to you. As you can see in these pictures, that these are the questions which usually asked in your university examinations. Okay, so on the point of view of examination, kya puchte ho, dental caries ka definition puchenge, theories ka classification puchenge, dental caries ka classification puch sakte hain, and sabse zyada important jo wo puchte hain, it's Miller acetogenic theory. Okay, so abhi main introduction complete karne wali hu is video mein, then in the next video we are going to discuss about the Miller's acetogenic theory, and iske baad mein jo videos aayenge wo that will be in that those videos I am going to cover all the things like all the histology of dental caries and all the things, and the classification ka details pura padna. So we are going to discuss all these things. Now enough of talking, get back to the dental caries. So the definition of dental caries, dental caries आपको पता ही होगा, सबके दांतों में caries तो होती है, ठीक है, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी स्टेज पे लाइफ के caries तो होना ही है. ओके, सो इसकी डेफिनेशन पर जाए तो इट इज अ माइक्रोबियल डिसीज. ऑब्वियसली जो बोलते हैं ना बच्चों को कि ज्यादा मीठा मत खाओ, दांत सड़ जाएंगे, दांतों में केरीज आ जाएंगी, ठीक है. तो क्या होता है कि आपका मीठा खाने से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वैसे भी मीठा ज्यादा पसंद है, जैसे हम सबको पसंद है, तो उन्हें भी पसंद है. तो क्या होता है, माइक्रोबियल डिसीज है, यानी कि माइक्रोब्स बढ़ जाएंगे. माइक्रोब्स बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, कैल्सिफाइड टिश्यू, जो टूथ के कैल्सिफाइड टिश्यू है, वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ते जा रहे हैं. एंड देन इट विल, what it will do, it will cause demineralization of inorganic portion and the destruction of organic substances. Okay, so proper definition kya hogi, microbial disease, it is a microbial disease of the calcified tissues of the teeth characterized by demineralization of the inorganic portion and destruction of the organic substances. ठीक है, तो आपको 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स यहाँ पर अच्छे से याद रखने, ठीक है, या तो फिर यू कैन से 4 वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने. कौन कौन से, मिनरलाइज डिसीज, कैल्सिफाइड टिश्यूज, ठीक है, डीमिनरलाइजेशन ऑफ इनऑर्गेनिक पोर्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑफ द टूथ. ओके, सो दिस आर द थिंग्स, दिस इज अ कंप्लीट डेफिनेशन, और ये वाली बहुत ईजी है. बाकी जो डेफिनेशन दी हुई ना वो जल्दी याद नहीं होती, ये वाली आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी, ठीक है. नाउ कमिंग टू द थ्योरीज ऑफ डेंटल केरीज. नाउ वॉट इज इन थ्योरीज ऑफ डेंटल केरीज, सी जब लॉन्ग नोट होना तो अच्छे से भर के लिखना चाहिए. ओके, सो ऑन दैट बेसिस आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द ओल्ड थ्योरीज ऑल्सो. सो सबसे पहले हम ओल्ड थ्योरीज देखेंगे. तो ओल्ड थ्योरीज आर ऑफ डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, दैट इज फर्स्ट इज एक्सोजिनस एंड सेकेंड इज एंडोजिनस, ठीक है. एक्सोजिनस तो भाई क्या ही बताऊं मैं, सबसे पहली थ्योरी है इसकी लेजेंड ऑफ वॉर्म, ठीक है. तो इसकी पिक्चर देखो, देख के ना अलग ही याद हो जाएगा, लिखना नहीं है इसके बारे में, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है. तो लेजेंड ऑफ वॉर्म में क्या होता है, पहले जमाने के लोग ये मानते थे कि जो वॉर्म है ना वो आपके टूथ के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से वो आपके टूथ को सड़ा देते हैं, ठीक है. देन द केमिकल थ्योरी, ठीक है, देन द पैरासिटिक और सेप्टिक थ्योरी. सो ये 3 थ्योरीज हैं, एक्सोजिनस की, एंडोजिनस की. सी एक्सोजिनस यानी कि बाहर पर जो थ्योरी, बाहर के सरफेस पर जो भी चीजें हो रही है, ठीक है, आपका ओरल कैविटी में जो भी हो रहा है. नाउ एंडोजिनस यानी कि आपकी बॉडी के अंदर से जो भी चीजें हो रही है उसकी वजह से. तो एंडोजिनस ह्यूमरल थ्योरी फर्स्ट. ह्यूमरल थ्योरी क्या बोलती है, ह्यूमरल थ्योरी ये बोलती है कि आपका ब्लड जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी इन सबसे बना हुआ है, तो इनमें कोई भी गड़बड़ होने की वजह से ये होता है, ऑब्वियसली एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है. देन द वाइटल थ्योरी, वाइटल थ्योरी क्या बोलती है, बोन में गैंग्रीन हो गया, बोन गैंग्रीन हो गया, इसकी वजह से डेंटल केरीज. ओके, तो ऑफकोर्स ऑल दीज थ्योरीज आर नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है, लेकिन हाँ आप अपने इन्फॉर्मेशन के लिए इसको देख सकते हो, और एग्जामिनेशन में थोड़ा अच्छे से लिखो के आओगे, इसको भी लिख के आओगे तो इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा. नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज न्यू थ्योरीज. न्यू थ्योरीज 6 थ्योरीज है, जिनमें से 3 थ्योरीज मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपसे पूछी जा सकती है. सबसे पहले मिलर्स एसिटोजेनिक थ्योरी, ठीक है. मिलर्स एसिटोजेनिक थ्योरी इज रियली इंपॉर्टेंट. इस पर लॉन्ग नोट आता ही आता है, यानी कि आप मान के चलो 70% चांसेस है लॉन्ग नोट में, इस ये सारी चीजों के अलावा लॉन्ग नोट में इसके बारे में भी पूछे जाने का, ठीक है. मिलर्स एसिटोजेनिक थ्योरी, देन प्रोटियोलिटिक थ्योरी, देन प्रोटियोलिसिस डिस्टिलेशन थ्योरी. इन दोनों के बारे में, या फिर ये जो बचे हुए 3 हैं इनके बारे में आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है. देन सुक्रोज डिस्टिलेशन थ्योरी, फॉस्फेट थ्योरी एंड सल्फेटेज थ्योरी. क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल केरीज देखते हैं तो मेनली क्या है ना, क्लासिफिकेशन
ऐसा सच पूछा नहीं जाता, लेकिन मैंने कई कई लॉन्ग नोट्स में देखा है दैट दे आर आस्किंग फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल केरीज, ठीक है, इसलिए आपको ये मैं बता रही हूँ इस वीडियो में. सो इट इज ऑफ अगेन डिवाइडेड इनटू टू, बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल साइट एंड बेस्ड ऑन सीवियरिटी एंड रेट ऑफ प्रोग्रेशन. ठीक है, एनाटॉमिकल साइट में पांच तरह के, पिट्स एंड फिशर्स, स्मूथ सर्फेस, लीनियर, रूट एंड सर्वाइकल. ठीक है, एंड बेस्ड ऑन सीवियरिटी आठ है. बेस्ड ऑन सीवियरिटी जैसे ही आता है सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक, तो दो तो आपको पहले याद हो गए. ठीक है, नाउ इसके लिए ना मैंने हर कुछ ही बनाया है, बट पहले मैं नाम ले लेती हूँ, उसके बारे में आपको बताती हूँ मैंने क्या बनाया था. नर्सिंग, रैम्पेंट, एडोलसेंट, रिकरेंट, अरेस्टेड एंड रेडिएशन. ठीक है, सॉरी. ना एक्यूट एंड क्रॉनिक तो आपको याद आ गया, क्रॉनिक से याद रखना. क्रॉनिक जब सिचुएशन हो जाती है तो क्या होता है, घर पे अपन नर्सेस को रखते हैं, है ना, जो थोड़े ज्यादा अमीर होते हैं वो घर पे नर्सेस को ले आते हैं ताकि जो भी पेशेंट है उनका अच्छे से देखभाल हो सके, तो नर्सिंग. ठीक है, क्रॉनिक डिसीज हुआ जिसकी वजह से नर्सिंग करानी पड़ी, नर्सिंग अब क्रॉनिक डिसीज है तो वो नहीं होता, हे भगवान हमें ठीक कर दो, राम का नाम जपते हैं तो रैम्पेंट. ओके, देन नाउ अब ये जो डिसीज हुआ है ना डेंटल केरीज जो बहुत ज्यादा, हालांकि मैं सिर्फ इसको ऐसी कहानी के फॉर्म में लगाने की कोशिश कर रही हूँ, समझ जाओ. ठीक है, नाउ अब ये क्या हो रहा है ना कि एडोलसेंट यानी कि क्या कर रहे हैं इसमें कि ये जो क्रॉनिक डिसीज हुआ है ये जवानी के टाइम पर हुआ है तो एडोलसेंट में हो रहा है ये. ठीक है, अब क्या हुआ ना, ये जो नर्स थी ना, इस नर्स ने ट्रीटमेंट करते टाइम कुछ करंट लग गया, तो रिकरेंट मतलब वापस आना होता है, बट करंट से याद रख सकते हो. ठीक है, अभी रिकरेंट हुआ तो नर्स को अरेस्ट कर लिया, देन अरेस्टेड. ठीक है, एंड देन रेडिएशन. ओके, सो दिस ये मैंने अपना बनाया है, अगर आपको नहीं पसंद आता है नो प्रॉब्लम, बट ये इससे ना याद रह सकता है, मैं इसी तरह से याद की हूँ. ओके, नाउ दिस इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट डेंटल केरीज, आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड वही है सिंपल सा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और जो भी होता है. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो मैं मिलर्स एसिटोजेनिक थ्योरी एंड प्रोटियोलिटिक एंड प्रोटियोलिसिस जिलेशन थ्योरी को भी कवर अप करने की कोशिश करूंगी, बिकॉज ये दोनों पे ज्यादा चांसेस है कि शॉर्ट नोट आ सके. ओके, सो या दिस इज अबाउट इट, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड मैं इसी डे अभी शाम तक ही मैं नेक्स्ट वीडियो भी पोस्ट कर दूंगी. सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.